हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज होता है, ये तब होता है जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही है, और कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती, मतलब इनिशियली इट इज एट रेस्ट, मतलब यू इक्वल्स टू जीरो, और अगर वो मूव होती है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब क्या कि ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी इन टी सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके शॉर्टकट कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। ओके, सो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब एस इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर। और हमने क्या कहा है कि ए इज वॉट कॉन्स्टेंट, और वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट ही होता है, इसका मतलब एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इस केस में हमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1, 2, 3, 4 सेकंड। तो जैसे ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर को, सो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड हियर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1, 2 and 3 सेकंड रेस्पेक्टिवली इज, यहां पे हम लोग लिखेंगे सेकंड कितना है 1, 2, 3, तो 1 स्क्वायर, यहां पे रेशियो फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग 2 square, 3 square, और अगर कंटिन्यू है तो सो ऑन, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:4:9। सो दीज आर द, या फिर दिस इज व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1, 2, 3 सेकंड रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये शॉर्टकट वे होता है सॉल्व करने का। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से, फिर से मतलब इनिशियली जीरो, और फिर से इफ मूव विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ए इज अ कॉन्स्टेंट, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन एंथ सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू एंथ सेकंड। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एंथ इज इक्वल्स टू, ओके, हमने बस यहां पे टी के जगह एन लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला ऐसे होता है यू प्लस ए बाय टू टॉइस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। अब इसमें यू जीरो है, राइट, और ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एंथ सेकंड इज इक्वल्स टू टॉइस, सॉरी प्रोपोर्शनल टू टॉइस एन माइनस वन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां पे होता है। तो अब अगर इस केस में अगर हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन, ये वी राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1, 2, 3 सेकंड रेस्पेक्टिवली, तो ये सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 2 × 1 − 1, ये पहला, राइट, रेशो फॉर्म में हम लोग लिखे इसको। उसके बाद सेकंड कितना था 2 × 2 − 1, उसके बाद थर्ड कितना था 2 × 3 − 1, ओके, तो 2 × 1 = 2, और 2 − 1 = 1 हो जाएगा। यहां पे ये 4 − 1 मतलब 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 − 1 दैट इज 5। सो दिस इज व्हाट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंथ सेकंड। जैसे पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 3, तीसरे सेकंड में 5, तो ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग यहां पे देखेंगे, थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह से कि समझो अगर एक बॉडी हम लोग अगर कंसिडर करते हैं कि इनिशियली इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड यू एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब उसको अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टॉप होने के पहले समझो एस इतना डिस्टेंस कवर करती है। हमें पता है कि कोई भी गाड़ी को अगर हम लोग ब्रेक लगा रहे तो वो इंस्टेंटली नहीं रुकेगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो एस इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। समझो अब अगर सेम गाड़ी है, मतलब सेम अगर हम लोग पार्टी सॉरी बॉडी अगर कंसिडर करते हैं, मतलब व्हीकल अगर कंसिडर करते हैं, उसकी स्पीड इनिशियल के एन टाइम्स थी, मतलब डबल हो सकती है, 3 times हो सकती है, तो उस केस में डिस्टेंस कवर कितना रहेगा, इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस। मतलब अगर गाड़ी की स्पीड डबल है तो डिस्टेंस कवर ये 4 times होगा, गाड़ी की स्पीड अगर ट्रिपल है तो डिस्टेंस कवर ये 9 times हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग समझ लेते पहले कैसे किया। हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस, राइट। अब यहां पे देखो ये जो व्हीकल है वो रुक रहा है, गाड़ी की ब्रेक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब माइनस साइन आएगा।
ओके सो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे और गाड़ी रुकेगी, इसका मतलब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस टॉइस ए एस, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2as इक्वल्स टू यू स्क्वायर और s इक्वल्स टू होगा यू स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पे जो हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि इसमें डिसएक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब s विल बी प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ये इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस कंसिडर करते हैं कि इफ इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल इज यू और उस केस में अगर डिस्टेंस ट्रेवल अगर s है तो क्या होगा, इस केस में s विल बी प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर जो एज इट इज ऊपर लिखा है। और सेकंड केस अगर समझो गाड़ी की स्पीड अगर जो है वो टू टाइम्स सॉरी n टाइम्स ले लेते हैं, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करके दिखाना है, n टाइम्स u अगर है तो डिस्टेंस ट्रेवल समझो है s डैश, तो फिर इस केस में क्या होगा, देयरफॉर s डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ये, या इट इज n टाइम्स u, ओके तो ये हो जाएगा n u होल स्क्वायर, तो s डैश इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर u स्क्वायर, राइट right? तो हम लोग क्या करते ना, इस इक्वेशन वन और इस इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते, देयरफॉर s डैश बाय s इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं प्रोपोर्शनल साइन निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा n स्क्वायर u स्क्वायर बाय u स्क्वायर, ये हो गया कैंसल, तो s डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज n स्क्वायर इनटू s। देखो जो हमने कहा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो n स्क्वायर टाइम्स s हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्रूफ है इसका। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते फिर, फोर्थ पॉइंट कि समझो एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, मतलब a यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट बोल देंगे, ओके और जो ये जो मूव हो रहा है ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है, समझो पॉइंट a से ये b तक मूव हुआ, इट इज a और b, और यहाँ पे जो a पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी v1 और ये रहेगी v2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी वहां पे चेंज हो रही है, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी वन है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वी टू है। और अगर हम लोग यहां पे एक थर्ड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से इट इज सी, तो इस केस में सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी रहेगी ये फाइंड करना है, या फिर इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ये रहेगा फॉर्मूला, That is the velocity at point C। तो यहां पे कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों यहां पे इक्वल रहेंगे, तो इस तरह से हम लोग C की वेलोसिटी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ओके आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।